का बीएड एंट्रेंस टेस्ट का इंग्लिश का पोर्शन है, एक बात बता दूं, इंग्लिश का एक हिंट है मैक्सिमम स्कोर ले जाने के लिए, वो है कि आपकी वोकैबुलरी एनरिच चाहिए, वर्ड्स की मीनिंग जितने आपको क्लियर हैं उतनी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस सारे एंट्रेंस टेस्ट में हो सकती है। दूसरी, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी, पहला क्वेश्चन ही हमें गाइड कर रहा है, जैसे चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट, ऐसे क्वेश्चन जब डाले जाते हैं तो एक वर्ड चूज किया जाता है और उसके कई बार तो सिनोनिमस ही, समानार्थी सारे ऑप्शन डाल दिए जाते हैं। नेचुरली अगर आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्लोजली इसके साथ कौन सा रिलेटेड है, इट इज हाई डिफिकल्टी लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो दैट इज व्हाई ये नेचुरली अगर आप टीचर भी बनना चाहते हो तो आपकी वोकैबुलरी जो है एनरिच्ड चाहिए। अदरवाइज बेस्ट मेथड मुझे लगा है वो ये है कि आप सिनोनिम्स को लर्न करते रहो। अब तो लैपटॉप पर आप देखो कि वर्ड पर वर्ड की फाइल है, राइट क्लिक करो, सिनोनिमस पर जाओ और आपको वो दिखा देता है सबसे क्लोजली रिलेटेड वर्ड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, उसको यूज करो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में गलती है, ये तो मैंने बात बता दी कि क्लोजेस्ट। अब ये वर्ड जब मैंने गूगल से खुद ढूंढा है ना, जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तो नेचुरली है मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई हेल्प लेनी है, सोशल हेल्प भी लेता हूँ, टेक्नोलॉजी हेल्प भी लेता हूँ, तो ये वर्ड ही नहीं मिला। तो लास्ट में इनमें से जब देखा तो ये वर्ड के को ठीक करके मुझे पेश किया गया, वो वर्ड क्या है आपके सामने रखता हूँ। इतनी ये बताने लगा हूँ कि ये मिसप्रिंट है जहां, तो ये भी गलत है और इसका राइट आंसर भी गलत है। ये यहाँ पर वर्ड कौन सा है, ये वर्ड क्या है, ब्लास्फेमी। इसके मीनिंग क्या है, राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड इन दैट शोज ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्टफुली आप कोई भी रिलीजियस एक्ट करते हो उससे आपका ये मीनिंग जाके जुड़ता है। और इसका क्लोजेस्ट है वो कि आप किसी धार्मिक स्थान या धर्म की जो निंदा करते हो या रिस्पेक्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल आप किसी रिलीजियस प्लेस पर है, वहां सिर को ढकना जरूरी है, आप ढक के नहीं जाना चाहते अंदर, है ना, तो आप जो शूज है उनको अंदर लेना लेके जाते हो या लेके जाना चाहते हो, दैट इज इनपिटी। राइट जो वर्ड उन्होंने डालना था मेरे अनुसार ब्लास्फेमी, जिसका सिंपल अर्थ है नास्तिकता, लेकिन उसका क्लोजेस्ट मीनिंग बनता है इंटिटी। लेकिन वहां क्या लिखा गया है उनके स्पेलिंग आप कंपेयर कर लीजिए, यहां पर ई की बजाय वहां सी लिखा हुआ है, ये रहा सी लिखा हुआ है, और यहां पर बी आई एन एस है, और यहां पर क्या है, ब्लास्फेमी वर्ड है, डेमेन्यो क्लोजेस्ट मीनिंग इसका आप देखा, अनरियल है, अपीयरेंस है, लुक्स है, बिहेवियर है। जब मीनिंग इसका मैंने देखा तो लुक्स एंड बिहेवियर, ये देखिए इवन अपीयरेंस इसके सिनोनिमस के बिल्कुल करीब है, तो इनमें से अब राइट आंसर कौन, ये सबसे पहले डिलीट होता है, ये बॉक्स सही है कि अनरियल आप डिलीट कर रहे हो ठीक, लेकिन इनमें से कौन सा चूज करना है उसके लिए मैंने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में क्या है, इवन जब सबसे पहला वर्ड आएगा मैं उसको प्रेफर करूंगा ना, द वे ए पर्सन बिहेव्स, इट मीन्स बिहेवियर वाला राइट आंसर हो सकता है। दूसरा क्या है, ड्रेसेस ठीक है, तीसरा है स्पीक्स, चौथा है लुक्स। अब ये भी ऑप्शन डाला गया है लुक्स, अब लुक्स और अपीयरेंस जो है दो वर्ड ये आपस में एक ही मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, यहां से भी आप हिंट ले सकते हो। तो जो आपकी स्पीकिंग है, स्पीकिंग एग्जैक्ट आप बिहेवियर का पार्ट है, इसके अलावा एक डेफिनेशन इसको एटीट्यूड कह रही है, एटीट्यूड भी आपके जो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन बॉडी के भी और मन के भी, वो आप बिहेवियर साइकोलॉजी जो है उसको बिहेवियर कहते हैं, एज ए डिफाइन करते हैं। तो सिंपली है हमारा बेस्ट जो है जो बिहेवियर ऑप्शन आता है, लेकिन मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि आप इस वीडियो से सिनोनिमस या आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, कि जो अगर डेमिनोर है तो बिहेवियर भी है, ड्रेस भी है, स्पीकिंग सेंस भी है, एटीट्यूड भी है, मैनर्स भी है, अच्छा मैनर्स तो लुक्स भी है, लुकिंग भी है, लेकिन क्लोजेस्ट से दूर की तरफ ये लर्न करना है।
हाँ, ये अगर इतने सिनोनिम्स आपको पता है तो आपकी और कोई प्रॉब्लम जो आती है नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में या किसी और पेपर में तो वो भी सॉल्व हो सकती है। दैट इज वाई वोकैबुलरी को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अब कैसे हम राइट आंसर पर पहुंचे ये देख लीजिए। अगर हमें वहां पर डेफिनेशन ही ना होगी, डिक्शनरी नहीं होगी आपके पास, डैमेज और है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा, ये दूसरी स्ट्रेटेजी बताने लगा हूं। तो मुझे लगा है कि अपीयरेंस एंड लुक्स जो है ये बिल्कुल सेम मीनिंग कन्वे कर रही है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूं और मुझे इन दोनों में से एक चूज करना होगा। अगर मुझे कोई नॉलेज नहीं है, अगर थोड़ी सी नॉलेज है कि इसका यार किसी ह्यूमन एक्टिविटी के साथ संबंध है, इतना सा भी पता है, नेचुरली है, मैं बिहेवियर को चूज कर लूंगा जब मेरे पास बहुत ज्यादा कम नॉलेज। वर्ड जिसका क्लोनस मीनिंग ढूंढ रहे हैं वो है टेंजिबल। ऑप्शन क्या है? अनरियल, मिस्टीरियस, इनविजिबल, टचेबल। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आंसर कैसे ढूंढना है ये हम देखेंगे। इनमें से ये देखिए कि ऑड कौन सा है। मिस्टीरियस है, जहां तक आप पहुंच नहीं सकते आप, है ना, एक रहस्य है जिसको सॉल्व नहीं कर सके। रहस्य क्या होते हैं, यहां तक हमारा जो मेरे ख्याल में हम जो साइंस है वो नहीं पहुंच सकी, जहां साइंस भी जिसके नहीं रहस्य देख सके। ये दो बहुत अप्रोच से ह्यूमन बीइंग की सेंसेस से वहां से दूर दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक हो गया। और इसी से साथ मिलता है अनरियल, हो सकता है कि यार जो अनरियल है वही नहीं सॉल्व होगा। अच्छा, इनविजिबल है, वही नहीं, मिस्टीरियस ही नहीं दिखाई देता होगा। इनमें से आप ये देखिए कि सिर्फ एक आंसर है, वर्ड है, वो टचेबल। ये भी टचेबिलिटी से परे है, ये भी टचेबिलिटी से परे है, ये भी टचेबिलिटी से परे है। ये उनके लगभग विरोधी शब्द यहां डालेंगे। हालांकि हाँ, इनका विरोधी अगर जानना है, इनटेंजिबल होता है। मैंने डिक्शनरी में क्या देखा था, आप टेंजिबल दैट कैन बी क्लियरली सीन। अब उसको अप्लाई करो। अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, सेंसरी। पांच ज्ञान इंद्रियां है ना आपकी, ये कान है, यहाँ पर जीभ है, ओके, यहाँ पर नाक है, तो ये स्किन है आपकी, हाथ है, ये क्या बन गया। तो ये पांच ज्ञान इंद्रियों से कुछ वस्तुएं परे हैं, कुछ इनके दायरे में है। तो वो दायरे में क्या है, वो सारी कौन सी है, मटेरियल, मैटर, जो सारा मैटर है ना, मैं सब मैटर को देख सकते हो, टच कर सकते हो। तो एक कैटेगरी उन चीजों की है जिनको हम ऐसे सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दे आर टेंजिबल, और बाकी जो है नेचुरली उसका क्लोजेस्ट बन रहा है टचेबल। मैं इस बोर्ड को टच कर सकता, लेकिन मैं किसी की इमोशन को शायद टच नहीं कर सकता। मैं बोर्ड को टच कर सकता हूँ, मैं सोल को टच कर सकता हूँ, मैं इस लाइट को टच कर सकता हूँ। अब देखिए कहाँ टेंजिबल की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ इनटेंजिबल की बात कर रहा हूँ। तो नया वर्ड इसके सिनोनिमस आप है पाल्पेबल, इसको एड डिक्शनरी अपनी में कर लीजिए। टेक्टाइल, ये दो वर्ड, ठीक है, इसको टेंजिबल के साथ जोड़ लीजिए, रख लीजिए। और रियल है, वहां अनरियल था, इट मीन्स ओपोजिट, रख दिया ना। यहाँ मटेरियल है, फिजिकल है, सब्सटेंशियल है। तीसरा कोरपोरल, कोरपोरल भी फिजिकल होता है। अच्छा, सॉलिड, कंक्रीट, विजिबल, नोटिसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वर्ड जिसका क्लोजेस्ट मीनिंग हमने देखना है, एस्थेटिक। अब वही स्ट्रेटेजी अपना के देखो कि आप बिना या कम नॉलेज के राइट आंसर पर पहुंच सकते हो। अगर नॉलेज है फिर तो ठीक हो गया, क्योंकि ऐसे वर्ड आपने सुने नहीं है, एस्थेटिक। अच्छा, ये वर्ड एक्चुअली लिया कहां से गया है, ये जो फिलॉसफी से जो रिलीजियस एक्सप्लेनेशन जो देती है वो वर्ड हम पढ़ते नहीं है। फिलॉसफी तो जो मदर ऑफ ऑल साइंसेस है, ऑल सब्जेक्ट का अगर माँ पूछी जाए, मदर पूछी जाए, तो वो फिलॉसफी होती है। लेकिन फिलॉसफी को हमने पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मार्केट वैल्यू खत्म हो गई है। मार्केट वैल्यू है वही सब्जेक्ट आज पढ़ाया जाए। तो ये इसको देख के इसमें जो अगर और देखना है, नंबर एक अनहैप्पी, ओवर जॉयड, ठीक है, ये सिर्फ विरोधी हो गया। मिजरेबल, देखिए ये अनहैप्पी और मिजरेबल कॉमन उठा लिए और ऐसे ही ये उठा लिया। आप अगर ध्यान से देखो तो ये तीनों क्रॉस किए जो मैंने, ये एक तरफा मीनिंग बता रहे हैं, और सिर्फ ये है जो इनसे डिफरेंट मीनिंग है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऑड मैन आउट कर दो तो आप बिना नॉलेज के भी पहुंच सकते हो, लेकिन हम एस्थेटिक का मीनिंग देखेंगे। एस्थेटिक का यहां डिक्शनरी मीनिंग क्या मिला है, एक्सट्रीमली हैप्पी, मिल गया ना, वहां जॉयड है।
तो इसके अलावा सिनोनिम्स और क्या मिले हैं? हाँ, सबसे अगर क्लोजेस्ट देखना है, अगर ये ऑप्शन होती तो हैप्पीनेस से ब्लिस की तरफ बढ़ना है। ब्लिस इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। वैसे ये देखिए तीन बातें होती हैं, मैं वैसे यहाँ वो पढ़ाने नहीं आया हूँ आपको जिंदगी के वो लेसन। हाँ, ये चैनल इसीलिए मैंने शुरू किया था कि जिंदगी के लेसन दूँ, लेकिन कुछ और पढ़ाने लग गया हूँ। तो ये तीन बातें होती है, तो एक होता है प्लेयर, ओके, एक होती है हैप्पीनेस, अगर आप इनमें डिफरेंट, एक होती है ब्लिस। एस्थेटिक का मीनिंग एक्चुअली ब्लिस है, यहाँ ऑप्शन ये भी दी हुई है, और प्लेयर मैंने डाउन क्यों रखा है। अगर इसके मीनिंग देखना समझना चाहते हो, लाइफ को भी समझना चाहते हो, तो आप अगर रिक्वेस्ट या ऑर्डर करोगे फिर बताऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप लाइफ को भी इम्प्रूव करना है। अच्छा अच्छा, अब और वर्ड जो ऐड कर सकते हो डिक्शनरी में के एस्थेटिक का मतलब, एक तो ब्लिसफुल हो गया है ना, डेलिरियस, एलेटेड, अच्छा ये एंथुजियास्टिक, बहुत जोश वाली चीज है, यूफोरिक, फर्वेंट, जॉयफुल। देखिए मेरा सजेशन ये है कि इन वर्ड्स को आप अपनी डिक्शनरी या अगर ऑडियो आपकी रिकॉर्डिंग आप फोन में करते हो उसमें रख लीजिए, कभी कभी इनको सुनिए, आप वोकैबुलरी को एनरिच कर सकते हो। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ओवर जॉयड, जॉय शब्द पॉजिटिव था ना, ओवर बहुत ज्यादा जॉय है। वर्ड ह्यूमेन का मोस्ट क्लोज जो ऑप्शन है, मीनिंग है, वो कौन सा है? हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है, वरीड है, काइंड हार्टेड है। इसका मुझे क्लियर पता था, दैट इज वाई मैं सीधा राइट आंसर पर पहुंच गया। ये मैं बाद में आपको सजेशन भी दूंगा, जो आपको एग्जैक्ट 1-3 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो सबसे पहले सभी क्वेश्चन कर लेने चाहिए। अब ये देख, एक एनालिसिस में ये कहता है कि जो पेपर सेटर है वो जब सिनोनिमस वाले क्वेश्चन डाल रहा है, कई बार वो सिनोनिमस के दूर के रिलेटेड जो है वर्ड ऑप्शन में डालता है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन क्या है ह्यूमेन की? हैविंग और शोइंग कंपैशन और बेनेवोलेंस। अब कंपैशन भी इसका ऑप्शन आ सकता था, बेनेवोलेंस भी आ सकता था, है ना, सिमिलर शब्द है। काइंडनेस है, काइंड हार्टेड है, यहाँ पर ऑप्शन नजदीक से डाला गया है। अब दूर वाले कौन से हैं? कंसिडरेट। आप अगर एक्सरसाइज करना चाहते हो, आप कॉपी पेन लेके एक ऑप्शन के जो एक वर्ड के हैं, जो जितने भी सिनोनिम्स आते हैं जो आपके लिए नए हैं, वो आप हर हालत में लिखने शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक ही वर्ड को कई बार पिछले पेपर में रीयूज किया गया है, और कई बार उसके सिनोनिम्स 20-20 तक मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें है तो इसमें थोड़े ज्यादा बताए गए हैं, देखिए अंडरस्टैंडिंग इसमें है, सिंपैथेटिक, टॉलरेंट है, सिविलाइज्ड है, गुड है, गुड नेचर्ड है, जेंटल है, लीनियंट है, किसकी? ह्यूमेन के। वेरी इजी है इसमें से क्वेश्चन डालना कि मैं ह्यूमेन के, अब अगली बार गुड और अंडरस्टैंडिंग और ऐसे कुछ ऑप्शन जो दूर वाले हैं वो डाल दूं। दैट इज व्हाई आप थोड़े वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड कीजिए, लिखिए, उस एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन उसकी लेंथ जो है, इन डेप्थ जाना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही, वो जरूरी है। आप नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। देखिए प्रोवर्ब्स जो है, जो आप हिंदी या पंजाबी में इडियम्स एंड मुहावरे होते हैं, अखाण होते हैं, ऐसे ही प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स इंग्लिश में हैं, आपको ये लर्न करने होंगे। इसका एक हिंट ये है कि कई इंग्लिश के प्रोवर्ब्स जो हैं वो हिंदी में या पंजाबी में ट्रांसलेट हो सकते हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो अगर आप ट्रांसलेट कर लेते हो। दूसरी बात, प्रोवर्ब जब आते हैं, इडियम्स आते हैं, तो उसके जो लिटरेट मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ है, वर्ड्स के मीनिंग है, एक्चुअली मीनिंग उसके वो नहीं होते, उसके सेकेंडरी मीनिंग होते हैं, हायर मीनिंग होते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग होते हैं। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि जो वर्ड मीनिंग है वो कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल नया प्रोवर्ब मिला है, आपको आंसर नहीं आता, और उस सिचुएशन में ये कह रहा हूं, यहां पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ, तो इसके मीनिंग क्लियर है कि किसी के हाथ में अगर एक पंछी है तो वो ज्यादा कीमती है। किस से कीमती है? जो डिस्ट्रक्टर है, जो ऑप्शन है, वो इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि एक ही फर्क है, इन दी बश, इन दी बश, इन दी बुश, इन दी बुश, है ना, ये सेम आ रहा है, सिर्फ 3, 4, 5, 2। अब राइट आंसर बेसिक ये है, तो ये गुड एक्सरसाइज यहां पर नहीं होगी।
पर ये मीनिंग क्लियर है कि एक पंछी हाथ में है तो उसकी कीमत है, वो बेटर है, अच्छा है, उसको प्रेफर करना चाहिए हमें बजाय के दो पंछी झाड़ियों में है। क्या हो सकता है इसके पीछे जो लॉजिक क्या है, कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप झाड़ियों में से पंछी को निकालना दो को चाहते हो, इट मीन्स आप में लालच आ रहा है, आप उसको निकालना चाहते हो, उस निकालने की प्रक्रिया में आपका जो एक पंछी था आप वो भी खो सकते, इट मीन्स ये एक इसकी स्पिरिचुअल इंडिकेशन भी है, मॉरल इंडिकेशन भी है कि आपके हाथ में जो है, आपके पास जो नेचर ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट ज्यादा रहना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि ज्यादा ऐसे रिस्क लेने चाहिए कि जिसमें जो आपके पास है वो भी आप खो दो। तो इसके ऐसे लंबे मीनिंग है, ये जिंदगी जीने के लिए बड़े अच्छे हैं लेकिन हमारे एग्जाम में सिर्फ उन शाब्दिक अर्थ करके छोड़ देते हैं, इनको जिंदगी में अप्लाई भी करना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर टू इन दी बश है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। द फ्रेज ए बर्ड इन दी हैंड इज वर्थ टू इन दी बश इज यूज्ड फॉर सेइंग दैट इट इज बेटर टू होल्ड ऑन टू समथिंग वन हैज ऑलरेडी देन to risk losing it by trying to attain something better. Literary meaning है, हाथ में एक पंछी झाड़ी में दो के बराबर है, ये भी इसका मीनिंग है। अच्छा, उसकी जो प्रोवर्ब की मीनिंग की ट्रांसलेशन जो है वो इक्वल टू बन रही है 9 नगद 13 उधार के बराबर। अच्छा, इसके मीनिंग पर भी क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना, दैट इज वाई ये कंटेंटमेंट पर, संतुष्टि पर, सेटिस्फेक्शन पर जो आपके पास है उसकी तरफ इशारा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्रॉइंग मैन विल, अब आपको क्या है कि इसका मीनिंग पता है, अगर ये पता है कि इसका मतलब है कोई डूबता हुआ जिसको डूबते हुए सांस नहीं आ रही, इट मींस कोई बहुत डिफिकल्टी में है, तो जो कोई बहुत डिफिकल्टी में है ये आधी प्रवर्ब हो गई। नेक्स्ट क्या होगा, ए ड्रॉइंग मैन विल क्लच एट ए बोर्ड, ये बात बनेगी। अच्छा, क्लच एट ए स्ट्रॉ, अगर आपको ये पता है कि स्ट्रा का मतलब तिनका है, हिंदी मेरी गलत हो सकती है भाई, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि ऐसा प्रवर्ब हिंदी या आपकी भाषा में है। डूबना अगर आपको पता चल गया है तो तिनका आपको पता चल गया है, इट मीन्स आप वहां पहुंच जाओगे कि डूबते को तिनके का सहारा। आप ऐसे मीनिंग करके उसको अपनी लैंग्वेज के प्रवर्ब में, अखाण मुहावरा जो भी है उसके इक्वल उसमें ट्रांसलेट करके आप राइट तक पहुंच सकते हो। दूसरा है कि ऑड जो है वो निकाल दे हैं, क्लच एट बोट, ये बोट शब्द है, ये इसको बहुत डिस्करेज कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है कि ये मैच नहीं इससे कर रहा। अच्छा, लूज होप, ये उसको नेगेटिव बना रहा है, बिल्कुल नहीं ये बन रहा। ट्राई टू रिमेन अफ्लोट, ए ड्रॉइंग मैन विल ट्राई टू रिमेन, तो ये सीधे अर्थ बन रहे हैं। ठीक, सीधा हमारे पास बी राइट आंसर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, मेरे ख्याल में ये मोस्ट कॉमन है, मैक्सिमम लर्नर को ये पता होगा, दैट इज वाई आप एक सेकंड में लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग हिंदी में आप अपनी भाषा में करते हो। नीम हकीम खतरा जान, फॉर एग्जाम्पल आपके पास थोड़ी नॉलेज है, आप उस थोड़ी नॉलेज से किसी का इलाज करने की कोशिश करते हो और उसकी हेल्थ का नुकसान बड़ा कर लेते हो, तो उसके लिए ये प्रवर्ब यूज किया जाता है। हाँ, यहाँ इस प्रवर्ब में ये ज्यादा सिंपल है, इसके लगभग क्लियर मीनिंग दिखाई दे रहे हैं। डिस्ट्रक्टर को आप कर सकते हो डिनाई यहाँ पर, अगर आपके पास इस प्रवर्ब की नॉलेज नहीं है। ए फुलिश थिंग, मीनिंग ज्यादा बड़े नहीं बनते, प्रोवर्ब ने लाइफ के एक्सपीरियंस, लाइफ को ऊंचा उठाने के लिए, बेटर करने के लिए देने हैं, ये बात अगर मन में बैठ जाती है, पता चल जाती है, तो भी आप राइटर डिस्ट्रक्टर जो है रॉन्ग ऑप्शन निकाल सकते हो। हार्ड टू गेन, नई बात बन रही। नेक्स्ट है, एज यू सो, जैसा आप बीजते हो, सो शैल यू रीप, ये बहुत कॉमन है, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल पाओगे, का मतलब हो क्या हो रहा है, इम्प्लाइड मीनिंग कैसे है, जैसे मैंने पीछे बताया है, बीज बोने के बाद यहाँ खेती बाड़ी की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है बात डीड्स की, एक्शंस की, बिहेवियर की, कर्मों की, आपने क्या करना है। अगर बैड डीड्स, नेगेटिव एक्शन कर रहे हो तो रिजल्ट नेगेटिव होंगे, ये कहना चाहते हैं, अगर पॉजिटिव कर रहे हो तो पॉजिटिव होंगे, ये मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी की इंडिकेशन है।
बाकी जो डिस्ट्रक्चर हैं वो आप देख सकते हो कैसे आपने हमने करने हैं, डिनाई कर रहे हैं। एज यू सो यू विल सी, नई बात बन रही, कोई बात नहीं बन रही, बड़े मीनिंग बन रहे हैं। एज यू सो, जैसे आप बीजोगे, बीज बोओगे, यू विल गेन। हाँ थोड़ी बन रही है, लेकिन इसका इसके साथ संबंध बन रहा है, बीज के साथ, बीज बोना और फसल को काटना सिंबल है यूज किए गए। इसलिए बीज है आपके एक्शंस, डीड्स, बिहेवियर, और रीप क्या है आपका रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, यू विल लूज, नहीं बात पर। नेक्स्ट है, डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर बॉर्न, बिफोर दे आर हैच एट वंस ऑन सीइंग देम। देखिए बिल्कुल जो बात नहीं बन रही, दो डिस्ट्रक्टर हैं इसमें, कि आपने जो है चूजे होते हैं उनको काउंट मत करो जब तक उनका जन्म नहीं हो जाता, ये बात बन रही है। लेकिन यहाँ हमने ये डिसाइड करना है कि वर्ड कौन सा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये रॉन्ग ऑप्शन को चूज कर लोगे। एक्चुअल में हैच्ड है, राइट आंसर ये है। इसका मीनिंग क्या है कि आप मान लीजिए वो जो इंक्यूबेट कर रही है हैन जो है, तो और चूजे निकलने वाले हैं, अभी निकले नहीं है, आप उससे पहले ही प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ हम चिकन्स क्या है कि जो आपका कुछ अच्छा रिजल्ट आपको या अच्छी इंडिकेशन किसी ने दी है। फॉर एग्जांपल आपके बॉस ने ये कहा कि यार आपकी 5000 इंक्रीमेंट लगा दी जाएगी, ठीक है, अभी लगी नहीं है। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो फिर तो, और आपको ये कह दिया है कि नेक्स्ट मंथ आपको ये इंक्रीमेंट लग जाएगी, और आप कह रहे हो कि मैं 1000 का ये खरीदूंगा, 2000 का ये खरीदूंगा, ये प्लानिंग शुरू कर दी, अभी तो चूजे हैच नहीं हुए ना, पहले ही कर रहे हो, ये मीनिंग है इसके। सीधी बात इससे तो बनती नहीं है, डू नॉट काउंट योर चिकन्स एट वंस, एकदम मत काउंट करो। लेकिन नहीं, ये बॉर्न वाली हैच वाली बात बन रही है, ऑन सीइंग देम ये भी बात नहीं बन रही, क्योंकि जिंदगी के बड़े मीनिंग निकालने के लिए ये ऑप्शन इस पार्ट के साथ जोड़ के वो बड़े मीनिंग नहीं निकाल रहे। तो बड़े मीनिंग निकलने चाहिए, तो ये बड़े मीनिंग ऐसे ही निकल रहे हैं। डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच, ये वो प्रवर्ब है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डेफिनेशन, डू नॉट डिपेंड ऑन समथिंग अनटिल इट हैपन, मतलब इंक्रीमेंट लगी नहीं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाए, जब ऐसे आ जाते हैं फिर ही किसी पर विश्वास करो कि हाँ पेमेंट हो गई है, हाँ जी इंक्रीमेंट लग गई है, हाँ जी सैलरी आ गई है। उससे पहले प्लान मत करो, उससे पहले जो भी डिस्कशन होती है वो अभी इंक्यूबेशन है, उसमें हो सकता है चूजा निकले ना निकले। हैपन, डू नॉट मेक ए प्लान, मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट हैव नॉट हैपेंड येट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, नीचे जो वर्ड दिए गए हैं, तीन चार क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट है, वन हु लर्न्स अ सब्जेक्ट एज ए हॉबी इज कॉल्ड। अब इसका एनालिसिस, फॉर एग्जांपल आपको उसका उत्तर नहीं पता, देखिए ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर तो इंग्लिश वर्ग की आपकी बैकग्राउंड है, आपको उत्तर पता है, जब प्रोवर्ब भी पता है तो आप जल्दी टिक कर लोगे। अदरवाइज मैं ये बता रहा हूं कि अब रीजनिंग के बेस पर अपनी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन बाकी वर्ड्स की, उसके बेस पर कैसे राइट आंसर पर पहुंच सकते हो। अब आपको अगर हॉबी का मीनिंग पता है तो आप राइट आंसर पर पहुंच सकते हो, क्योंकि हॉबी का मीनिंग है आप अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी है ना, अपनी खुशी के लिए, जिसमें जिसको करके आपको हैप्पीनेस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल है, रीडिंग करके है, राइटिंग करके है, कुछ कहानी लिख के है, कहानी सुन के है, जहाँ गार्डनिंग करके है, ठीक है, पेंटिंग करके है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो क्या हमें हैप्पीनेस सिर्फ आर्ट से रिलेटेड ही मिलती है? क्या आपकी हॉबी विदाउट आर्ट नहीं हो सकती? हो सकती है, दैट इज वाई आर्टिस्ट नहीं होगा। अच्छा, आर्टिस्ट कौन होता है या आर्ट क्या होता है, उसका क्या जो कंटेंट है इस वर्ल्ड, एक तो क्रिएटिव चीज होगी, दूसरा होगा तो विजुअल होगा, ठीक है, विजुअल वो चीज दिखाई देगी, तीसरा ब्यूटी एस्थेटिक सेंस होगी। जब ये तीन चीजें इकट्ठी होती है ना, तो वो आर्ट बन जाता है लगभग, उसकी डेफिनेशन। क्या ये कोई सब्जेक्ट लर्न करना है? हो सकता है कि वो सब्जेक्ट टोटली इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, कॉग्निशन बेस्ड, या दिमाग का काम हो, सिंपल समझा रहा हूं। यहां किसका काम है? अफेक्टिव डोमेन का,
अफेक्टिव डोमेन का बिहेवियर की ना, अफेक्टिव कौन से, इमोशंस और फीलिंग का। आर्ट में इमोशंस और फीलिंग्स होंगे, देखिए क्रिएटिव विजुअल ब्यूटी एंड इमोशन ये होंगे। क्या सिर्फ ये जो सब्जेक्ट कोई खास लर्न कर रहा है एज ए हॉबी, तो वो क्या इससे मैच कर रहे हैं? नहीं, इस दायरे से बाहर भी हो सकते हैं, आर्ट के दायरे से बाहर हो सकते हैं। दैट इज व्हाई आर्टिस्ट को रिजेक्ट कर रहा हूं मैं जो। अच्छा, अगर मुझे प्रोफेशनल की मीनिंग पता है, एक्चुअल प्रोफेशनल का मीनिंग, प्रोफेशनल वर्ड है कि आप अर्न करना चाहते हो, कुछ मनी लेना चाहते हो। यहाँ पर कोई मनी लेना चाहते हो आप कोई अपनी हॉबी के लिए, उसको पैसे के साथ होता है, यहाँ कोई जोड़ा ही नहीं जा रहा है। दूसरा, वो अर्निंग के लिए प्रोफेशनल कौन होता है पर्सन, वो स्पेसिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होगी उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, उसने अर्न भी करना है, आपसे फीस लेनी है, एजुकेशन उसने डिग्री की हुई है, उसकी ट्रेनिंग इंटर्नशिप लगी हुई है, टीचिंग एज ए प्रोफेशन भी हो सकता है, प्रोफेशन ही है क्योंकि अर्निंग भी है, एजुकेशन भी, उसका डिग्री क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड है जो आप कर भी रहे हो, तो ट्रेनिंग भी आपकी लगती है, स्कूल में ट्रेनिंग लगती है 6 मंथ की, तो ये प्रोफेशन होता है। ये इससे अब मैच कर रहा है, अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो, है ना। अच्छा, अब मैं चूज करूंगा इन दोनों में से वर्ड, इसके तो चलो इससे स्पेलिंग ही यहाँ गलत प्रिंट हुए हैं, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। दैट इज वाई अगर आपको ये मान के चल सकते हो कि 5% प्रिंटिंग एरर हो सकती है, अगर है तो नेचुरली दोनों में से चूज करना है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि स्किल क्या होती है। स्किल है किसी भी काम को सक्सेसफुली कर लेना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग है, कुकिंग है, ठीक है। एक्चुअली क्या होती है, साइकोलॉजी में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, चेन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पेक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम, वो कड़ी अगर बहुत अच्छी तरह से जुड़ती है, ड्राइविंग भी आपने करनी है ना, एक कड़ी है, कड़ी चल रही, चेन चल रही है, तो वो अगर चेन आप जोड़ लेते हो तो सक्सेस मिल जाएगी। कुकिंग आपकी रोटी अच्छी पकेगी, है ना, आप ड्राइविंग सक्सेसफुली कर लोगे। तो स्किलफुल क्या सिर्फ इसको शामिल कर सकते हैं इसमें, यहाँ सिर्फ अफेक्टिव डोमेन है, ध्यान से देखना, यहाँ मोटर डोमेन है, मोटर फिजिकल डोमेन, करनिंग डूइंग, ड्राइविंग में भी डूइंग है, कुकिंग में भी डूइंग है। यहाँ पर तो ये पहले लग हो गया अर्निंग एंड एजुकेशन, क्योंकि अर्निंग नहीं है, तो ऐसे हम यहाँ पर राइट आंसर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका जो मीनिंग है, राइट स्पेलिंग भी है, वो भी देख लीजिए, एमेच्योर, वन हु लर्न ए सब्जेक्ट एज ए हॉबी। इसका डिक्शनरी मीनिंग भी देख लेते हैं, एमेच्योर, इसके स्पेलिंग भी देख लीजिए, वन हु लर्न्स ए सब्जेक्ट एज ए हॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस है इसका, एक वर्ड ढूंढना है, ए पर्सन ऑब्जर्व्ड, ये फिर गलती है, ये मैं मतलब ये डिक्शनरी जो है जहां से मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करता हूँ, ये एक्चुअली है ऑब्सेस्ड, ओके, एंड ओवर कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ। तो अब राइट आंसर ढूंढना है, अगर इसकी कोई नॉलेज नहीं है, आप ऑप्शन का एनालिसिस करोगे कि ऑड वन कौन सा है, मैचिंग वाला कौन सा है। न्यूरोटिक, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, बिग फाइव फैक्टर थ्योरी पढ़ी है, तो न्यूरोटिसिज्म पढ़ा होगा, वो लोग जो बहुत चिंता करते हैं अपने बारे में, ठीक, तो ये मैचिंग हो रही है इससे। अच्छा, वरीड की भी हो रही है, ठीक है, स्ट्रेस की भी हो रही है। देखिए ये शब्द जो है, ये वरीड और स्ट्रेस जो है बिल्कुल सेम कह रहे हैं, तो दैट इज व्हाई अगर सेम ये कह रहे हैं तो इनको डिलीट किया जा सकता है। कई बार आंसर दो विरोधी जो ऑप्शन पड़ी है उनमें एक होता है, दो ऑप्शन जो है कोई और डाली होती है, दो विरोधी भी ढूंढ लेनी, यहाँ वो अप्लाई नहीं हो रहा। अब न्यूरोटिक या न्यूरोटिक और हाइपो कॉन्ड्रिक, इसमें से ढूंढना होगा। ओके, नया शब्द जो मिला है जिसका ये जब मैंने फिल किया, ए पर्सन हु इज अनड्यूली एंशियस अबाउट हिज और हर देयर हेल्थ, तो ये मीनिंग मिला, ये ऐड कर सकते हो। बेल्टू डिनेरियन, हमारा जो शब्द है जो सिमिलर इसका ढूंढा है, हाइपो को डेरिक, न्यूरोटिक इसका मीनिंग है, इट मीन्स न्यूरोटिक और जो दूसरा वर्ड था वो वेरी क्लोजली रिलेटेड है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो न्यूरोटिक उसका आप आंसर लगा सकते, ये वाला हो गया, ये दो मिले हैं अब, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है,
वो जो ऊपर सेंटेंस लिखा है ये सेकंड रैंक पर है जो क्लोजली रिलेटेड है, दैट इज व्हाई आपको यहाँ पर राइट आंसर सी को चूज करना होगा। नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समबॉडी इज कॉल्ड। देखिए आप लाइफ की कोई स्टोरी लिखते हो, आप एक तो है एक पर्सन किसी और की स्टोरी लिखता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। एक तो ये पर्सन है, फॉर एग्जांपल आप किसी साइंटिस्ट की या अपने दोस्त की जो बहुत करीब लिखा है, बायोग्राफी उसी की लिखी जा सकती है जिसको आप जानते हो। फॉर एग्जांपल जो सिद्धू जी थे जो गायक थे, है ना, जो हमें अभी छोड़ के जा चुके हैं, तो अगर उनका कोई दोस्त है वो उनकी ये दोस्त है उनके और उनकी जो लाइफ की स्टोरी लिखते हैं, वो लाइफ की स्टोरी क्या होगी ये लिख रहे हैं सिद्धू सर की, सिद्धू मूसेवाला ये उनकी स्टोरी लिख रहे हैं, तो ये जो स्टोरी लिखी गई है तो ये बायोग्राफी होगी। अगर ये जो पर्सन है सिद्धू मूसेवाला की एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो फिर ये खुद अगर अपने बारे में लिखते हैं अपनी लाइफ स्टोरी लिखते हैं तो ये होगी ऑटोबायोग्राफी। तो ये बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में ये डिफरेंस है, आप लिखते हो या कोई और आपके। तो यहाँ पर है द पर्सन रिटन बाय समबॉडी, इट मींस कोई और लिख रहा है, और लिख रहा है तो बायोग्राफी होगी, तो ऑटोबायोग्राफी ये नहीं होगी, आंसर हो गया। हाँ स्टोरी है लाइफ पे वो लिखा, ये ऑप्शन वीक है। नरेटिव, नरेटिव का मीनिंग भी स्टोरी होता है, ये देखिए नरेटिव और स्टोरी ये सिनोनिमस यहाँ डाल दिए, इन दोनों को डिलीट कर दीजिए तो आपके पास बायोग्राफी बच रही है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि, लेकिन ये नॉलेज लिटरेचर वालों को होती ही है, तो ये बायोग्राफी है ये ऑटोबायोग्राफी है, ये स्टोरी है इसका मतलब भी लगभग स्टोरी बनता है, क्योंकि आपको ऑटो का मीनिंग पता है कि सेल्फ मेरे द्वारा लिखी जानी, दैट इज व्हाई आप चूज इसको करोगे बायोग्राफी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक। मेरे ख्याल में इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश की ही प्रिंटिंग की गलतियां हैं, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है। ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे, दो आपके पास ऑप्शन है, ये देखना है कि जो टाइम सेंटेंस में है जो टाइम पीरियड है, अगर तो टाइम पीरियड है तो आएगा फॉर, अगर है टाइम दिया गया कब से वो एक्टिविटी हो रही है तो आएगा सिंस। अब ये देख लीजिए क्योंकि मंडे टाइम है, दिया गया कि मंडे से वो एक्टिविटी हो रही है, क्या ही हैज बिन एबसेंट, एबसेंट वर्ब है जो एक्टिविटी है कब से हो रही है, मंडे से हो रही है, टाइम दिया गया है, दैट इज वाई हम सिंस को फिल करेंगे ऑप्शन। द न्यू टर्म बिगिंस डैश द 9th of July। अब आपने फोकस कहाँ करना है, 9th पर, 9th क्या है डेट है, ओके ये मंथ है, अगर डेट दी हुई है रूल क्या है तो ऑन ही आएगा, अगर डेट नहीं दी गई ये वाला पोर्शन नहीं दिया गया मंथ है तो इन आएगा, ये रूल है, और फ्रॉम और विद से कोई सेंस नहीं बन रही, इसको पहले से ही डिलीट कर रहे हैं। दिस इज, देयर इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन चूजिंग इन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेट। अच्छा डेट जनरली जो है न्यूमेरिक में दी जाती है ना 9th, लेकिन यहाँ पर वर्ड में दी गई है तो इसको डेट ही फिर भी समझना है, ऐसे नहीं दी गई तो ऐसे दी गई है, तो इसके बेस पर हमने सी आंसर चूज किया है, सी इज राइट आंसर, बिगिंस ऑन द 9th of July। नेक्स्ट है दिस इज ए कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन, साफ आंसर है। अब ऐसे देख लीजिए कि आप मान लीजिए इस आप ऑन मतलब इसके ऊपर रहना चाहते हो हाउस के, एट रहना चाहते हो, जहां विद रहना चाहते हो यहां पर, या फिर इसके अंदर रहना चाहते हो। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस आप देख सकते हो, अगर इन है ये बॉक्स में डाला गया है, ठीक इन साइड रहना है, अगर जो ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा है तो ऑन यूज हो रहा है, ये वैसे इजी वाले हैं, वहां साफ दिखाई दे रहा है इन और ऑन अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, बाकी के यहां से देख सकते हो, लेकिन यहां पर एप्लीकेबल जो है, एक्चुअली मैं आपको एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपको पास जब ऑप्शन चार हैं तो आप किस तरह से सोच के राइट ऑप्शन की तरफ यू जा सकते हो, पहुंच सकते हो जब आपके पास नॉलेज या इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट बीन
टू द थिएटर डैश ए लॉन्ग टाइम, जो पहले उन्होंने बताया था यहाँ पर एग्जैक्ट एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये देखिए लॉन्ग टाइम, ये टाइम एग्जैक्ट बताया गया है जहां टाइम पीरियड है। अगर टाइम पीरियड है तो नेचुरली है फॉर आएगा टाइम पीरियड के लिए, अगर टाइम है एग्जैक्ट तो सेंस आएगा। अगर यहाँ होता आई हैव नॉट बीन टू द थिएटर फ्रॉम जनवरी तो यहाँ पर आना था सेंस। अब यहाँ पर फॉर ए लॉन्ग टाइम है, देखिए मुझे क्या निकल रहा है, ए लॉन्ग टाइम है, दैट इज वाई बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। चार ऑप्शन दी गई है, उनमें से आपको एक चूज करना है जिसमें पंक्चुएशन सही यूज की है। क्वेश्चन क्या है, चार सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर। ए है Oh, that is gorgeous. New dress. अब जो यहाँ पर क्या है यूज, कौन सा मार्क यूज करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है यूज करना, तो वो कहाँ यूज होता है ये पता ही शायद आपको। एक्सट्रीम इमोशंस, जो एक्सट्रीम इमोशंस और फीलिंग्स यहाँ आपने एक्सप्रेस करनी है, तो वो कई बार पता नहीं चलता हमें, वो तो जहाँ तो कोई वर्ड का मीनिंग है वो एक्सट्रीम फीलिंग आपको बताएगा। अब गॉर्जियस का मीनिंग क्या है कि बहुत ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट। न्यू ड्रेस है, आपके फ्रेंड ने किसी ने नई ड्रेस डाली है और आप ये कह रहे हो, उस सिचुएशन में जाके बोल के देखो तो आपको बेटर ऑप्शन दिखाई देगा। ओह दैट इज गॉर्जियस न्यू ड्रेस, बोल के देखना है। यूज कहाँ होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये या तो किसी फ्रेज के एंड में और या सेंटेंस के एंड में यूज होता है। इट मींस सेंटेंस के एंड में होने वाली की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दूसरा सेंटेंस के एंड में कहीं अगर क्वेश्चन मार्क ये डाला गया है ये आपको रॉन्ग की तरफ लेके जाता है। अगली बात ये है, ये साइन यूज होना है अगर फ्रेज के बाद यूज होना है, तो वो फ्रेज कौन सी हो सकती है, वो वही रिएक्शन होगा ना आपका। यहाँ पर वो वर्ड कौन सा है जो एक्सट्रीम फीलिंग को, एक तो ये वर्ड का मीनिंग बता रहा है, दूसरा इसके ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है वो बता रहा है। ओह दैट इज गॉर्जियस न्यू ड्रेस। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंटरजेक्शंस की समझ होनी चाहिए, क्योंकि उनके बाद ही एक्सक्लेमेशन साइन यूज होता है। ये जैसे बात की गई है कि यहाँ पर जहां पर इंटेंस इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती है, उन इंटेंस इमोशंस या फीलिंग को व्यक्त करने वाला जो वर्ड होता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये देखिए, जब इंटरजेक्शन की हम काइंड भी कर रहे हैं, तो इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग, हैप्पीनेस, सोरो, एंगर, अप्रूवल, सरप्राइज, अटेंशन, शॉक, ये सभी इमोशंस हैं। तो इमोशंस को व्यक्त करने वाला जो वर्ड अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन जनरली आता है। इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन साइन की साफ एग्जाम्पल है, हेलो आई एम सरा, हेलो आयंती, वी वन द प्राइज, ओके। तो और वर्ड कौन से हैं उनकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, आज, वाच, ग्रेट, वाओ, लिसन, तो यहाँ पर इंटरजेक्शन क्या है, ओ, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन, मीन यहाँ पर सूटेबल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपने ये सेंटेंस बोला, यहाँ पर थोड़ी सी पंक्चुएशन, कॉमा, यहाँ पर आप थोड़ा सा ठहराव देते हैं, थोड़ा सा पॉज, उसके बाद में न्यू ड्रेस, ये आ गया फुल स्टॉप। अब तीन मेन जो पंक्चुएशन मार्क है इसमें, क्वेश्चन मार्क दिखाई नहीं देता, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आप कहो दैट इज ए गॉर्जियस न्यू ड्रेस, मतलब ये तो मीनिंग ही नहीं बन रहा ना, आप देखे ड्रेस पूछ रहे हो कि यार ये बहुत शानदार है, इसमें क्या नुक्स है। इसमें जो आपका मेन फीलिंग की एक्सप्रेशन वाला वर्ड था वो उसके बाद कोई मार्क नहीं है, दूसरा जो आप बोल रहे हो उसमें कहीं भी कोई भी ठहराव नहीं आया, लास्ट में जाके आपका एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, ये डिलीट हो रहा है। नेक्स्ट है ओह दैट इज गॉर्जियस, यहाँ पर क्या वो वर्ड है, वो वर्ड यहाँ है, दैट इज वाई इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और मैक्सिमम ऑप्शन इसकी बनती है, इसको हमने देखा है कि इसके जो फीलिंग वाला वर्ड है उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है और एक ठहराव वाला, और दैट इज गॉर्जियस न्यू ड्रेस, है ना, बोल के देखिए आप, तो यहाँ पर आप रुक गए हो, फुल स्टॉप है, पार्शियल स्टॉप है, और ये आपका फीलिंग वाली इमोशन वाला वर्ड है। राइट आंसर इज
टी। पंक्चुएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट है ए द फॉक्स वाज फास्ट कॉमा स्नीकी एंड क्वाइट इन द फॉरेस्ट। अब ये पंक्चुएशन है फुल स्टॉप, ये कॉमा है और ये कंजंक्शन है। ओके तो ये ढूंढना है मेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है कि कॉमा कहाँ यूज होना। तो कॉमा जो सीरीज ऑफ वर्ड है उनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है ये रूल ऑफ। यहाँ पर वो सीरीज ऑफ वर्ड क्या दिखाई दे रही है, एक स्नीकी टू एंड क्वाइट थ्री, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके फॉक्स के वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं तो नेचुरली है इनको सेपरेट करना होगा। अब सेपरेट क्या कॉमा से करना है या एंड से करना है या कॉमा एंड दोनों से करना है ये प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर इसको राइट मान के चल सकते हैं, अभी पहली ऑप्शन ले सकते हैं क्योंकि इसको सेपरेट किया गया है, इसको सेपरेट किया गया है, इसको एंड से सेपरेट किया गया है। दूसरा देखते हैं द फॉक्स वॉज फास्ट स्नीकी, यहाँ कॉमा नहीं है तो इसको डिलीट कर दिया हमने। द फॉक्स वॉज फास्ट कॉमा है स्नीकी है एंड। अब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि एंड के पहले, एंड से पहले कॉमा यूज किया गया है, क्वाइट इन फॉरेस्ट फुल स्टॉप है, बाकी इट मींस इन दोनों को राइट चॉइस में अभी ले रहे हैं। द फॉक्स वॉज फास्ट कॉमा नहीं है एंड स्नीकी, ये देखिए कॉमा कहाँ यूज हुआ है, जो वर्ड की सीरीज है उनको तोड़ने के लिए नहीं, इस सेंटेंस को पॉज देने के लिए है, जो मीनिंगलेस बन रहा है दैट इज वाई इसको डिलीट करते हैं। अब ये देखना है कि ये रूल जो है कॉमा और एंड आना है या कॉमे के बिना आना है, उसका रूल क्या है कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जो उपवाक होते हैं आपके, जो अगर वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते तो ये वाला आएगा, अगर वो इंडिपेंडेंट है ये सेपरेट पूरा सेंटेंस एक मीनिंग बता रहा है और नेक्स्ट जो क्लॉज है उपवाक है वो पूरा मीनिंग बता रहा है तो ये वाला कॉमा आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हम बनाते द फॉक्स वॉज फास्ट स्नीकी एंड मंकी वॉज वेरी स्लो। अब फॉक्स वॉज फास्ट एंड स्नीकी हो गया तो उसके बाद द मंकी की बात हो रही है, ठीक है वो सेपरेट हो गया और मंकी की बात करना इससे इंडिपेंडेंट है, वहां पर ये कॉमा आएगा। पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं की गई, एक ही सेंटेंस दिखाई दे रहा है दैट इज वाई यहाँ कॉमा नहीं आएगा और हम इस ऑप्शन को राइट लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है जॉन आस्क्ड डू यू वांट टू ईट एनीथिंग। ये जो सेंटेंस है इनको पढ़ के ये पता चल रहा है कि कोटेशन मार्क की जो पंक्चुएशन यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी हो सकती है, तो कोटेशन मार्क यहाँ पर दिया गया है लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस हमें रीड कर लेने चाहिए। कोटेशन मार्क सेकंड यहाँ पर है क्योंकि वो क्वेश्चन है, इट मींस कोटेशन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कोटेशन मार्क से पहले जॉन आस्क्ड कॉमा आ रहा है, ये इन्वर्टेड कॉमा दो आ गए, ठीक है कोटेशन मार्क बन गया और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्या ये ठीक है? इसको थोड़ा ठीक में लेके चल सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म है तो क्वेश्चन भी है कोटेशन मार्क भी है और कॉमे से इसको सेपरेट भी किया गया है। नेक्स्ट है जॉन आस्क्ड दैट आई वांटेड टू ईट एनीथिंग। यहाँ पर वीक क्यों लग रहा है कि आस्क्ड लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है और यहाँ पर कॉमा भी यहाँ आना चाहिए था, मेरे ख्याल में गलत है। जॉन आस्क्ड इफ आई वांट टू ईट एनीथिंग, कोई भी मार्क नहीं है। जॉन आस्क्ड इफ, कोई सेपरेशन नहीं है। इफ आई वांट टू ईट एनीथिंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ सेपरेशन का मार्क नहीं है, तो ये बेस्ट है लेकिन बाय रूल ये क्वेश्चन मार्क बीच में आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क जो है इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, जो कोटेशन मार्क के बीच में आना चाहिए। यहाँ रूल है दिखा देता हूँ, ये जो लिखा है रूल फोर, प्लेस ए कोटेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट इनसाइड कोटेशन मार्क व्हेन इट इज ए पार्ट ऑफ कोट। अब ये पार्ट ऑफ कोट है, एंड्यूर्ड आस्क्ड कॉमा आ गया और उसके बाद ये कोटेशन मार्क शुरू हो रहे हैं और कोटेशन मार्क एंड है, उसके बीच में ये देखिए क्वेश्चन मार्क, ये रूल के मुताबिक जो बता रहे हैं दैट इज वाई उस क्वेश्चन में, लेकिन हम इनको इसको ही राइट आंसर चूज करेंगे, वहां गलती को नेक्स्ट के लिए लर्न कर सकते हैं। ए को राइट आंसर यहाँ हम, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ दिया गया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन द पैराग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं।
तो पहला रीड करना है। इसकी एक स्ट्रेटजी ये है कि आप पहले ही क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेन मैंने पैरे में क्या क्या ढूंढना है, क्या क्या अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रिहेंशन में अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा, पहला काम क्या करूं, और क्वेश्चन पढ़ते हुए आपने या तो अंडरलाइन करना है या उस सेंट्रल आइडिया जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको अपने रफ वर्क पेज पर लिख लेना है। जैसे फर्स्ट है द फ्रेज ए रेंज इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू, मैंने यहाँ पर ए रेंज लिख लिया अपने बोर्ड आर ए एन। नेक्स्ट है द फ्री कंज्यूमरिस्ट कल्चर ऑफ द वेस्ट मीन, कंज्यूमरिस्ट कल्चर ओके, मैं अब मुझे समझ आना चाहिए वहां पर, इसलिए मैं टाइम भी बचा रहा हूँ। तो आप अपनी इतनी बैड हैंड राइटिंग भी मत कीजिए कि आपको ना समझ आए, और इतनी की कर लीजिए बैड के आपको समझ आ जाए। तो ये मैंने सेकंड लिख लिया। अब थर्ड है व्हाई डिड अमेरिकन कंपनीज रिसीव लेटर फ्रॉम पीपल, मैंने इसका सिर्फ इतना लिखा अमेरिकन कंपनीज रिसीव लेटर व्हाई क्वेश्चन मार्क कर दिया। नेक्स्ट है जीन्स आर स्टिल वेरी पॉपुलर बिकॉज, तो इसका कहने मैंने लिख लिया जीन्स आर जीन्स पॉपुलर कॉज है ना पूछा गया, तो वाई लिख रहा हूँ वाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ, इट मीन्स आपको पैराग्राफ कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ इस सिचुएशन को बयान कर रहा है। ये पैरा क्योंकि यहाँ से रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, साथ साथ में क्वेश्चन भी करने हैं, ये पैरा यहाँ से रीड करके मैंने इसको भी यूज करना था, दैट इज वाई पैरे को मैंने अलग पेस्ट कर लिया है, इस फाइल में लिखाऊंगा और साथ में क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, तो और ये भी यूज करने हैं, तीन फाइल्स यहाँ चाहिए, और ये फाइल जो पैराग्राफ मैंने ये पेस्ट किया है यही पैरा यहाँ पर है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, तो इसको ऐसे करके भी हाँ ये पैरे देखना है फर्स्ट। अब हम पैरा पढ़ेंगे, याद रखना कि पैरा जो रीडिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दैट इज वाई कई बार आप ये भी ऑप्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन को सीधा पढ़ो और थोड़ा सा एक स्किमिंग कर लो उसकी, मोटा मोटा रीड करके, और देखो कि कई बार पैरे के बिना ही आंसर दिखाई दे रहा होगा, आपकी नॉलेज या रीजनिंग से ही आपको आंसर मिल जाता है, वो भी करके बताता हूँ। अब पैरा रीड करना है और वो चीजें सामने रखनी है, वो मैंने सामने इधर रखी। इन द 16th एंड 17th जीन्स ऑफ ऑल काइंड्स बिकम ए रेंज ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कैंपस एंड विद द हिप्पी मूवमेंट स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल वोर प्रिंटेड जीन्स पैटर्न जीन्स एम्ब्रॉयड जीन्स इन मेनी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज अन रिप्रेजेंटेड द फ्री कंज्यूमरिस्ट कल्चर ऑफ द वेस्ट दे वर वेरी हार्ड टू गेट द मोस्ट अदर कंट्रीज। यहाँ पर दो रेंज भी आ चुका है, वैसे मुझे चाहिए था कि मैं रेंज पर रुक के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, अब रेंज वाला क्वेश्चन क्या है वो इधर लाऊंगा, ये रहा रेंज वाला क्वेश्चन द फ्रेज ए रेंज इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू। अब आप देखिए कि कितना इजी कर दिया आपके लिए, क्या आपको लगता है कि यहां पर कोई भी बात नेगेटिव इमोशन की हो रही है, फरी इमोशन की हो रही है, बैड हो रही है, नेगेटिव इमोशन के डाल दिए गए हैं, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है जीन्स की बात हो रही है, और जीन्स क्या है कि पॉपुलर हो रही है, पॉपुलर तब होती है जब वो फैशन बन जाता है, राइट आंसर में डायरेक्ट ही मिल रहा है। दूसरा है द फ्री कंज्यूमरिस्ट कल्चर ऑफ द वेस्ट मीन कंज्यूमर आर फ्री टू बाय ए लॉट ऑफ मटेरियल गुड्स गेटिंग फ्री मटेरियल आइटम्स कल्चर ऑफ द वेस्ट इज फ्री। देखिए ये करेक्टरिस्टिक तो है, कल्चर काफी फ्री है ना, कंज्यूमर्स गेट एवरीथिंग फ्री, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बन रहा है यहाँ से पता चल रहा है। अब ये ठीक गेटिंग फ्री द फ्री कंज्यूमरिस्ट कल्चर, इसको अंडरलाइन करो फ्री कंज्यूमरिस्ट कल्चर ऑफ द वेस्ट, इसका मीनिंग क्या दिखाई दे रहा है, गेटिंग फ्री मटीरियल आइटम्स ये भी नॉनसेंस है। दूसरी इसमें बात कोई नहीं आ रही कि कल्चर वाली या वेस्ट वाली या कंज्यूमरिस्ट वाली, जो अब इसमें से हमें चूज करनी है, इसको आप कंज्यूमर्स आर फ्री दिखाई दे रहा है, कल्चर की रिप्रेजेंटेशन भी आ गई और कंज्यूमरिस्ट की भी आ गई, टू बाय ए लॉट
ऑफ मटेरियल गुड्स, ये बात बन रही है। और दूसरा, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो लास्ट पर रीजनिंग खत्म हो गई है तो आप लॉन्ग टेल के बेस पर भी इसे टिक लगा सकते हो। तो राइट आंसर ये हमारा सेकंड हो गया। अब पैरा और क्वेश्चन नेक्स्ट देख के पैरा देखते हैं। व्हाई डिड अमेरिकन कंपनीज रिसीव, ये अभी आया नहीं है, ये पढ़ेंगे। दे वर वेरी हार्ड टू गेट द मोस्ट अदर कंट्रीज, अमेरिकन कंपनीज सेड that they often receive letters from people all around the world requesting them for air of jeans. Why did the American company receive the letter? अब इसको पढ़ के फिर उसको पढ़ सकते हो अगर आप ढूंढना है रीजनिंग क्या है कि उनको क्यों लेटर्स ज्यादा आ रहे थे। People wanted a job, कोई बात बन रही है यहाँ जॉब की कोई बात हो रही है। वेरी नॉनसेंस, फर्स्ट इसको डिलीट करेंगे। पीपल बैडली वॉन्टेड टू पेयर ऑफ जीन्स, हाँ वो बहुत जीन्स चाहते हैं, डिमांड इसलिए आ रही है, इसको टिक कर सकते हैं राइट। लेकिन अगले वाले देखने होंगे, पीपल वॉन्टेड टू प्लीज देम, क्यों करेंगे, प्लीज नहीं चाहते वो, जीन्स चाहते हैं, है ना। ये देखिए अराउंड द वर्ल्ड रिक्वेस्टिंग देम टू एयर ऑफ जीन्स, वो जीन्स चाहते हैं। अमेरिकन जीन्स वर बेटर, ऐसी कोई कंपैरिजन नहीं है, अमेरिकन और रशियन जीन्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि वो जीन्स चाहते हैं। फैशन क्या है कि मुझे ये चीज चाहिए, है ना। तो चाहत के को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे कि उसकी डिमांड करोगे, और उसकी डिमांड वो कर रहे हैं कि ये जीन्स हमें चाहिए। जो अमेरिकन है उनको लेटर्स आ रहे हैं, तो ये वाले जो पीपल बैडली वांटेड टू पेयर द जीन्स, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीन्स आर स्टिल वेरी पॉपुलर बिकॉज, रीजनिंग फिर पूछी गई है, बिकॉज मीन आपको कारण पूछा गया, दे आर इन एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर गए बिना आप यहाँ इसका सॉल्व कर सकते हो, ये मैं पहले बात बता रहा। क्या कोई चीज फैशन है, फैशन मीन मैं ये चीज चाहता हूँ, क्या अगर मैं ये चाहता हूँ इट मीन मैं वो महंगी भी खरीद सकता हूँ। That is why पहली दे आर इन एक्सपेंसिव, क्यों सस्ती है इसलिए मैं खरीदूंगा, नहीं, फैशन के बिल्कुल रूल स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। इसको साथ साथ में थोड़ा टिक भी कर लेते हैं, हाँ ये तो रॉन्ग होगी। दे आर टॉर्न एंड फेडेड, क्या वो फटी हुई है, फेडेड है, इसलिए वेरी पॉपुलर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ऑल द वर्ल्ड जीन्स कम चीपर एंड मोर People started wearing them in 80s. Jeans finally become high fashion clothing when the famous designers started making many styles of jeans with their own label on the faded and torn jean because another popular new trend with अब ये बात हुई है कि when famous designers started making many styles of jeans with their own label on the faded and torn jeans. अच्छा ये जो ये भी थोड़ी कंफ्यूज कर रही है, ये थोड़ा टिक लग रहा है, पर दे है बिकम एन यूनिवर्सल फैशन, ये भी टिक लग रहा है, इन दोनों में से चूज करना है। नेक्स्ट भी देखते टिक लगता है कि नहीं। दे आर अवेलेबल इन वेरियस कलर्स, अगर वेरियस कलर में कोई चीज अवेलेबल है इसलिए पॉपुलर हो रही है, पहली बात के कितने कलर्स में जीन अवेलेबल है ये भी हमें पता है, तो ये भी वीक है, इस दोनों में से अब चूज करना है। इसके लिए हम पहले को नेक्स्ट भी रीड करेंगे। द सेल ऑफ जीन वेंट अप एंड जीन्स आर स्टिल वेरी पॉपुलर एंड आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीवन्स वार्डरोब, यंग एंड ओल्ड, दे हैव बिकम ए यूनिवर्सल फैशन दैट इज नॉट लाइकली टू फेड आउट एनी आइटम सून। अब ध्यान से देखिए कि ये वाला क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये वाला क्यों सिलेक्ट हो रहा है, दोबारा जाकर, क्योंकि दे आर टॉर्न एंड फेडेड, ये मतलब डिफिकल्ट ऑप्शन डाली हुई है। ये लिखा है जीन्स फाइनली बिकम हाई फैशन क्लोथिंग व्हेन द फेमस डिजाइनर स्टार्टेड मेकिंग मेनी स्टाइल्स ऑफ जीन्स विद देयर ओन लेबल्स ऑन देम फेडेड एंड टॉर्न, यहाँ पर है एंड फेडेड एंड टॉर्न जीन बिकम अनदर पॉपुलर न्यू ट्रेंड। इट मीन्स ये कई और ट्रेंड में से एक ट्रेंड है, क्या सिर्फ एक ट्रेंड के कारण स्टिल पॉपुलर है जीन्स, दे हैव बिकम ए यूनिवर्सल फैशन, कि सारे संसार का वो फैशन बन चुका है, दैट इज व्हाई दे आर पॉपुलर। तो ये लॉन्ग टेल भी दिखाई दे रहा है, ज्यादा ऑप्शन मैं सी को दे रहा हूँ, यहाँ पर सी चूज कर रहा हूँ, सी इज दी राइट आंसर। इनको क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिर्फ इसलिए इन्होंने ये बताया है
कि सिर्फ ये अनदर मतलब कई फैशन है वर्ल्ड जो है अनदर पॉपुलर, मतलब उसके बिना जो ट्रेंड चल रहे हैं जीन के उनके कारण भी वो पॉपुलर है। दैट इज वाई हम जो ब्रॉड है आंसर उसको सिलेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फास्ट मूव है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ, अंडरलाइन कर ले कि नॉट वाला ढूंढना है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स ढूंढना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ, जो टोटल कॉन्टेक्स्ट है पैराग्राफ का वो अगर आपको याद है तो यहां से पता चल जाएगा। ओनली रिच पीपल वोर जीन, रिच पीपल की कोई भी बात बीच में नहीं की थी, ये क्लियर है। तो ये मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है कि यही जो फॉल्स है यही होगा, फॉल्स वाला। बाकी ऑप्शन भी रीड कर लें, फेडेड एंड टॉर्न जीन्स वर ए न्यू ट्रेंड, यस वो हमने पढ़ा है, फेडेड एंड टॉर्न जीन्स बिकम अनदर पॉपुलर न्यू ट्रेंड, ये बिल ठीक है, यहां पर ऑप्शन ये गलत हो। द यंग जनरेशन वोर प्रिंटेड एंड पैटर्न्ड जीन्स, ये भी आ चुकी है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने ढूंढनी है तो यहां से ढूंढ सकते हो। ओके, तो ये भी नहीं है, जीन्स विल रिमेन इन फैशन, तो वो टोटल ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि ये वाला स्टिल देखिए न्यू ट्रेंड विद यंग पीपल, दिस सेल ऑफ जीन्स वेंट अप, मतलब सेल बढ़ रही है, जीन्स आर स्टिल वेरी पॉपुलर एंड इट मीन्स है कि ये भी राइट आंसर है यहां पर, क्योंकि फॉल्स ढूंढना है, ये भी करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, हमें फॉल्स ये वाला ढूंढना है, राइट आंसर इज ए। फिल द करेक्ट ऑप्शन इन दिस सेंटेंस बिलो, देखिए क्या निकलता है आगे, क्वेश्चन है दिस वाज डैश एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग, अब ढूंढना है इसके बाद ऑप्शन देखिए सूटेबल, ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर वॉवल की साउंड जो हाजिर है, ठीक है, ये भी रूल है कि वॉवल हाजिर है कि साउंड हाजिर है, साउंड हाजिर होनी चाहिए, साउंड प्रेजेंट है इसेंशियल, तो वहां पर एन ही लगता है, सी राइट आंसर है, तो ए और एन में चूज करना है तो ये इस रूल के बेस पर हम एन को चूज करते हैं, सी को चूज कर रहे हैं। आप दैट में जाके देखो, दैट की कोई सेंस ही नहीं बन रही, दा भी नहीं लग रहा क्योंकि एसेंशियल पार्ट है, एक पार्ट, एक के लिए दो हमारे पास वर्ड है, तो क्योंकि ये वॉवल की साउंड है, दैट इज वाई एन चूज किया गया। नेक्स्ट है व्हाई वाज शी सो वरीड डैश हर पर्स क्वेश्चन मार्क, अब कौन सा फिल होता है, ऑफ फिट हो रहा है, आपने ये देखना है ऑफ फिट लगा के, व्हाई वाज शी सो वरीड ऑफ हर, नहीं बात ही नहीं बन रही, ये बात कैसे बनती है, क्योंकि कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब कि जोड़ीदार होते हैं, मतलब जय और बीरू कट्ठे ही रहेंगे, कुछ जय और बीरू ऐसे होते हैं उनको कॉलोकेशंस बोलते हैं, और उसकी डेफिनेशन बाद में बताता हूं, कॉलोकेशन के बेस पर हमें ये सिंपल दिखाई दे रहा है वरीड ऑफ के साथ, मतलब वरीड के जय वरीड हो गया ना, सॉरी जय और बीरू ढूंढना है, वीरू कौन सा फिट दिखाई दे रहा है, अच्छा वरीड फॉर, हाँ ये थोड़ा दिखाई दे रहा है, अभी इसको थोड़ा सा टिक लगा लेते हैं, वरीड ऑन नहीं, ये नहीं दिखाई दे रहा, वरीड अबाउट ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो जो कॉलोकेशंस हैं वो आपकी हैबिट और एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा, वो जोड़ीदार की एक्सरसाइज, वो वर्ड के साथ कौन सा यूज होता है, अगर आप बार बार इंग्लिश के सेंटेंस को यूज करते हो, रीड करते हो, लिसन करते हो, तो वरीड का जोड़ीदार जो है वो अबाउट ही है, कॉलोकेशंस कॉलोकेशंस इसका मतलब आपकी डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, कॉलोकेशंस की डेफिनेशन क्या है, ए प्रिडिक्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जय और वीरू कॉम्बिनेशन क्या, दो वर्ड्स का, अच्छा ये दो वर्ड्स कोई वर्ब भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ दी गई है जो हैवी रेन है, रेन के साथ रेन का जोड़ीदार कौन सा है, वो हैवी ही होगा, स्ट्रॉन्ग रेन ये इसका जोड़ीदार नहीं है, दैट इज वाई आपको क्वेश्चन हो सकता है, अगर रेन है वहां स्ट्रॉन्ग रेन लिखा है तो हैवी को आप चूज करो, ऐसे ही डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के साथ डू ही आता है, मेक एक्सरसाइज नहीं आता, मेक एक्सरसाइज का जोड़ीदार नहीं है, कोलोकेशन नहीं है, डू एक्सरसाइज दोनों जोड़ीदार है, ये जोड़ीदार ढूंढने वाली एक्सरसाइज है, और जोड़ीदार अगर आपने देखने हैं, नोट करने हैं, ये नोट कर सकते हैं, कोलोकेशन ये जोड़ीदार है, इनको एक बार रीड करो
तो ये हैबिट मन में, ये ना एक्सेप्ट नहीं होते। जय के साथ आप किसी और का नाम जय और बीरबल रख दो, जय और नहीं, शोले फिल्म वाली जब बात चल रही है तो ये जोड़ीदार एक्सेप्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, एक्सेप्टेबल है, तो उनको आपको एक्सरसाइज से ही लर्न करना होगा। ये आप नोट कर सकते हो यहाँ तक। नेक्स्ट है द बेगर वाज मिस्टेकन डैश ए पिक पॉकेट। अब ये फिर जय और बीरू वाला सवाल आ गया। अब मिस्टेकन का जोड़ीदार कौन है ना, गब्बर पूछता है ना, अरे कौन है तेरा जोड़ीदार? तो जय का जोड़ीदार फिर ढूंढना है, जय का कौन है, बीरू, बीरू इनमें से ढूंढना है, क्या कौन जचता है इसमें। अच्छा, मिस्टेकन एज ए पिक पॉकेट ये जचता है, अबाउट जच रहा है, अबाउट बिल्कुल जच रहा है, अगेंस्ट ब्रूटल, ये दो तो क्लियरली डिलीट हो रहे हैं, कंफ्यूजन इसमें है, ये भी जच रहा है, एज भी जच रहा है ना, थोड़ा कोलोकेशन है इसका, जोड़ीदार है वो फॉर ही है, मिस्टेकन फॉर। दूसरी बात ये है कि अगर जब हम किसी चीज को कोई और चीज समझ लेते हैं, मैंने किसी पर्सन को चोर समझ लिया, वो चोर नहीं है, इट मींस आपसे गलती हो रही है, एक तरह का जो कहते हैं पंजाबी या हिंदी में बलेखा पड़ गया है ना, वहां पर मिस्टेकन के साथ जब किसी चीज को, किसी और चीज को कुछ और समझ लिया, ये इल्यूजन भी हम कहते हैं ना, जो जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, परसेप्शन बेस्ड इल्यूजन, कि आपने रस्सी को सांप समझ लिया, तो वहां पर मिस्टेकन फॉर ही आएगा। अगर आपको वैसी कोई गलती लगी है, आप फिर कह सकते हो, फिर ये वाला पोर्शन वहां नहीं होगा, फिर सेंटेंस ही इतना बनेगा, ही हैज मिस्टेकन, है ना, आई वाज मिस, ये कॉम्बिनेशन जोड़ीदार जो है मिस्टेकन का फोर हमने ढूंढ लिया। नेक्स्ट है आई सिंपथाइज डैश यू इन योर डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस को आप इतना भी लिख लो स्ट्रेस, फिर भी ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इमोशन है, सैडनेस है, पैशन की तरफ जब जाते हैं, चुप रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बात नहीं करते, ये सिंपथी है। तो अगर आप इसकी हिंदी या पंजाबी भी करोगे, पहले तो फिट देखोगे, ये भी कोलोकेशन जैसे ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेडिक्टेबल वर्ड्स है ना, जय और बीरू, सिंपथाइज के साथ देखो फॉर फिट बैठ रहा है, आई सिंपथाइज फॉर यू नहीं बैठ रहा, आई सिंपथाइज ऑल ऑफ, ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा, आई सिंपथाइज टू यू फॉर यू, फिर भी थोड़ा सा लग रहा है, कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़े कांटे हैं, ये भी बड़ा कांटे, मुझे तेरे साथ हमदर्दी है, तो यहां से दिखाई दे रहा है, इनका जोड़ीदार जो है विद है, बी इज राइट आंसर, आई सिंपथाइज विद यू इन योर डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है I had already warned you dash him। मुझे लगता है ये सेक्शन ही कोलोकेशंस का है, जय और बीरू ढूंढने का है, यहाँ भी जय और बीरू ढूंढना है, कौन सा जय है, कौन सा बीरू है, वांड का वांड यहाँ जय है, बीरू कौन है, लगा के देखो, I had already warned you of, नहीं जचता ही नहीं है, warned you for, ये थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, आपको नहीं लग रहा, आप अपनी फिटिंग देखो, क्योंकि आपका जो प्रीवियस ऐसी लिसनिंग हुई है, रीडिंग हुई है, उससे स्कैमा अंदर नॉलेज बनी हुई है, वो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि वांड यू फॉर हिम नहीं बन रहा यार, आई हैड ऑलरेडी वांड यू फॉर हिम, ये भी कुछ खास नहीं बन रहा, काटा ही है, वांड यू टू हिम ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा, तो वार्निंग है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि थ्रेट रिस्क के लिए है, तो अगेंस्ट बेस्ट ऑप्शन है, तो इसका जो बीरू है मेरे यहाँ है, बी इज राइट आंसर, आई हैव ऑलरेडी वॉर्न्ड यू अगेंस्ट हिम। आपसे मैं सुजेशन लेना चाहता हूँ, जैसे मैं 30 का सेट का वीडियो बना रहा हूँ, तो कभी कभी 150 का भी डिमांड होती है, आप कृपया करके ये फीडबैक सुजेशन दीजिए कि आप 30 वाला सेट प्रेफर कर रहे हैं जहां 150 वाला प्रेफर करोगे, आप कमेंट बॉक्स में अगर 30 वाला प्रेफर कर रहे हो तो 30 लिख दीजिए, अगर 150 का कर रहे हो तो 150 एनसीक्यू प्रेफर कर दीजिए। दूसरा है कि आई शुड रीड एनसीक्यू, कौन सा मुझे रीड करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए, इंग्लिश वाला या हिंदी वाला, आप एनसीक्यू लिखिए, अगर इंग्लिश का चाहते हो एनसीक्यू इंग्लिश, अगर हिंदी का चाहते हो एनसीक्यू हिंदी। इसको पूरा करने के लिए मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर मंजिंदर कौर सैनी का, जिन्होंने हेल्प की है मेरे कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, काफी कुछ लर्न किया है, इनकी रिसर्च भी इंग्लिश लर्निंग स्ट्रेटजीज पर है,
और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी लेती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। आप इनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ट्राई कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एक बार देखिए कि एक कॉम्पिटेंट एक रिसर्चर से इंग्लिश कोई भी स्किल, चार में से कोई भी स्किल आप लर्न करना चाहते हो तो मैं जरूर सुजेस्ट करूंगा। तो थैंक्स करता हूँ इनका मैं।